Okay, नौ के yeah. नौ प्लेनेट के सब सब लॉर्ड आएंगे ना यस yes, yes, ठीक है अब जैसे राहु का सब लॉर्ड है राहु yes. के सब लॉर्ड में पहला सब सब लॉर्ड राहु का ही पड़ेगा यस yes. अगला गुरु आ जाएगा फिर शनि आ जाएगा फिर बुद्ध आ जाएगा तो राहु का सब लॉर्ड बड़ा रहेगा राहु का सब लॉर्ड अप्रोक्स दो डिग्री तक रहता है यस yes, yes. तो वो तीन मिनट नहीं रहेगा वो कम से कम रहता है सात आठ मिनट के आसपास okay. ठीक है तो उसमें जो राहु का सब सब लॉट रहेगा उसकी ड्यूरेशन ज्यादा आ जाएगी वो पचास सेकंड के आसपास रहेगा तो अकॉर्डिंग टू सब लॉट सब सब लॉड की ड्यूरेशन आगे फॉर्म होती है तो, तो ये आपको सिर्फ एक समझने के लिए है अदरवाइज सॉफ्टवेयर में वो अपने आप करता है कुछ करने yes, की जरूरत तो है yes, नहीं ठीक yes. है अच्छा ये एक प्लेनेट जो है वो सिर्फ दो तरह से फल देता है एक तो देता है वो अपने नक्षत्र स्वामी का फल यानी कि अपने स्टार लॉर्ड का फल ठीक है जिसको हम बोलते हैं स्टेलर स्टेटस और एक वो फल देता है अपना जब उसको पोजिशनल स्टेटस होता है तो यानी कि एक प्लेनेट दो तरह से फल देगा थ्रू पोजिशनल स्टेटस और थ्रू स्टेलर स्टेटस और कोई तीसरी तरह नहीं है तीसरी तरह से कोई प्लेनेट फल नहीं देगा कभी भी सी में अच्छा से स्टेटस बोलते हैं कि प्लान किस नक्षत्र में है जैसे एक सपोज़ वीनस वीनस है वीनस आपका मून के नक्षत्र में है। तो वो मून के थ्रू फल देगा अच्छा एक टर्म है पोजिशनल स्टेटस अब पोजिशनल स्टेटस प्लानिट को किस तरह से मिलता है तो चार तरीके हैं जिसके कारण एक प्लेनेट को पोजिशनल स्टेटस मिलता है जिसको हम बोलते हैं पीएस पीएस देखिए सबसे पहला तो है देयर इज नो प्लेनेट इन इट्स स्टार जोन एरिया नौ के नौ हम प्लैनेट देखेंगे कोई भी प्लैनेट उसके स्टार में नहीं है जैसे सपोज हम एक मैं अभी आपको चार्ट में समझा दूंगी जैसे हम वीनस को लेते हैं हम नौ के नौ प्लैनेट देखेंगे अगर कोई भी प्लैनेट वीनस के स्टार में नहीं है तो वीनस को पीएस मिल जाएगा अगर कोई भी प्लैनेट सेटन के स्टार में नहीं है तो सेटन को पीएस मिल जाएगा और दूसरा है प्लेनेट इन इट्स ओन स्टार जब प्लेनेट अपने ही नक्षत्र में होता है जैसे मून मून के ही नक्षत्र में है शनि शनि के ही नक्षत्र में है तो उस केस में मून को पीएस मिल जाएगा दो ये प्रकार हो गए हाँ तीसरा है देयर इज ए म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्टार आपस में नक्षत्रा का परिवर्तन जैसे शनि जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है चंद्रमा जो है शनि के नक्षत्र में है तो इस केस में दोनों को पीएस मिल जाएगा पहला हो गया जब कोई भी प्लेनेट उसके स्टार में ना हो दूसरा हो गया प्लेनेट अगर अपने ही नक्षत्र में है तीसरा हो गया म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्टार लॉर्ड्स चौथा है थ्रू राहु केतु राहु केतु के थ्रू भी पीएस मिलता है ये मैं आपको चार्ट समझाती हूँ मैं ये चार्ट समझाती हूँ देखिए ये सॉफ्टवेयर है ये नौ के नौ प्लेनेट है ये साइड में देखिए पी लिखा हुआ है जिन प्लैनेट के आगे पी लिखा है इसका मतलब उनको पीएस है हाँ जी देखिए सन को पीएस क्यों है क्योंकि सन देखिए सन के ही स्टार में है सन का स्टार लॉर्ड कौन है सन ही है इसलिए सन को पीएस मिल गया अच्छा अब देखिए मून को पीएस नहीं है क्यों नहीं है देखिए क्योंकि जुपिटर देखिए मून के स्टार में है शनि भी मून के स्टार में है यानी कि ये लोग मून को यूज कर रहे हैं इसलिए मून को पीएस नहीं है अब देखिए मंगल को पीएस नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि मरकरी भी मंगल के स्टार में है और राहु भी मंगल के स्टार में है तो मंगल भी यूज हो रहा है इसलिए मंगल को पीएस नहीं है इसी तरह मरकरी को पीएस नहीं है क्यों क्योंकि केतु मरकरी के स्टार में है अब ये देखिए गुरु को पीएस है जुपिटर को तो अब आप नौ के नौ प्लेनेट देखिए कोई भी प्लैनेट जुपिटर के स्टार में नहीं है इसलिए जुपिटर को पीएस हो गया वीनस को पीएस है क्यों वीनस अपने ही स्टार में है वीनस वीनस के स्टार में है सेटन को पीएस है क्यों क्योंकि कोई भी प्लेनेट सेटन के स्टार में नहीं है राहु को पीएस है क्योंकि कोई भी प्लेनेट राहु के स्टार में नहीं है केतु को पीएस है क्योंकि कोई भी प्लेनेट केतु के स्टार में नहीं है चौथी मैंने आपको बताई कि राहु केतु के थ्रू भी पीएस मिलता है वो कैसे मिलता है देखिए राहु और केतु जो है उनका अपना कोई राशि नहीं है वो अपने एक तो राशि स्वामी का फल देते हैं और वो जिस नक्षत्र में होंगे उसका भी फल देते हैं जैसे राहु अभी वीनस के राशि में चल रहा है और मंगल के स्टार में चल रहा है ठीक है तो यानी कि राहु वीनस का भी फल देगा राहु मंगल का भी फल देगा राहु वीनस का भी फल देगा राहु मंगल का भी फल देगा ठीक है तो अगर कोई प्लेनेट राहु के स्टार में होगा तो वो विनस के स्टार में भी होगा वो मंगल के स्टार में भी होगा अब जैसे सपोज एक एग्जाम्पल देती हूं अगर ये मंगल है मंगल राहु के स्टार में होता अगर मंगल राहु के स्टार में होता तो वो वीनस के स्टार में भी होता वो मंगल के स्टार में भी होता तो राहु के थ्रू मंगल अपने स्टार में आ गया तो उस केस में मंगल को पीएस मिल जाता है ये चौथी कंडीशन है जो मैंने आपको बोला राहु केतु के थ्रू के ये अभी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा जब अभी मैं आपको राहु केतु का चैप्टर समझाऊंगी अभी कुछ पूछना आप पूछिए जो आपने एक्सचेंज ऑफ ग्रह बताया था उसके एस भी एसटीएल होना चाहिए

आ, वर्मा जी आपको कुछ पूछना है नहीं मैडम ओके सर अच्छा अब अगर किसी प्लेनेट को पोजिशनल स्टेटस है तो अब प्लेनेट कैसे रिजल्ट देगा देखिए अगर किसी प्लैनेट को पोजिशनल स्टेटस है तो वो प्लैनेट आपका भाव चार्ट में कौन से घर में बैठा है वो उस घर के रिजल्ट देगा yes. उसके बाद वो प्लेनेट आपकी जो एक से बारह कस्पल पोजिशन है वहां कहाँ अपियर हो रहा है चाहे वहां कहीं का साइन लॉर्ड हो स्टार लॉर्ड हो सब लॉर्ड हो या सब, सब लॉर्ड हो वो उन घरों के फल देगा अगर प्लेनेट को पीएस है एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ और एक चीज अपना हमेशा ध्यान रखेगा कि एक प्लेनेट को अगर पीएस है तब भी आपको उसकी पोजीशन देखनी है अगर किसी प्लेनेट को पीएस नहीं है तो आप उसके सीधा स्टार लॉड की पोजीशन देखेंगे ये मेन रूल है नियम है इसको हमेशा याद रखिएगा जैसे अभी हमने चार्ट में देखा मंगल को पीएस नहीं था तो मंगल अपने रिजल्ट नहीं देगा उसका जो स्टार लॉर्ड होगा जैसे मंगल का स्टार लॉर्ड वीनस था तो मंगल वीनस के रिजल्ट देगा ठीक है देखिए द प्लेनेट डज नॉट कॉन्फर एनीथिंग ऑन इट्स ओन एक प्लेनेट कभी भी अपने से कुछ नहीं देता जब तक कि उसको पीएस ना हो वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टार लॉर्ड के रिजल्ट देता है अगर उसको पीएस होता है तो वो अपना भी रिजल्ट देगा और स्टार लॉर्ड का तो हमेशा ही देगा अगर उसको पीएस नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देगा और जो स्टार लॉर्ड है यानी कि स्टेलर स्टेटस जिसको बोलते हैं कि जो उसका स्टार लॉर्ड है वो भाव चार्ट में कौन से घर में बैठा है और इसी तरह वो एक से लेकर बारह कसव पोजीशन में वो कहां, कहां आ रहा है आप चार्ट समझिए फिर समझ आता है देखिए जैसे मैं आपको मंगल को पढ़ के दिखाती हूँ अब मंगल को देखिए पीएस नहीं है मंगल को पीएस नहीं है मंगल का स्टार लॉर्ड क्या है वीनस और एक चीज हमेशा याद रखेगा हम राशि चार्ट को नहीं पढ़ते हमेशा प्लेनेट की पोजिशन भाव चार्ट में देखने और वीनस देखिए यहाँ छठे घर में बैठा है छठे घर में बैठा है अब हम एक से लेकर बारह पोजीशंस में देख लेंगे वीनस कहाँ कहाँ आ रहा है देखिए वीनस वन में नहीं है वीनस टू में नहीं है वीनस देखिए तीन में है चार में ए राशि लॉर्ड आ रहा है छ yes. में आ रहा है आठ में आ रहा है नौ में आ रहा है और ग्यारह में आ रहा है तो हम नोट कर लेंगे इसको तो अब ये जो प्लेनेट मार्स है यानी कि जो मंगल है ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं घरों के फल देगा वो किसी और घर के फल नहीं देगा अच्छा अगर मार्स को पी एस बी होता पीएसबी होता तो हम मार्स की पोजीशन भी देखेंगे जैसे मार्स देखिए कहाँ बैठा है दसवें घर में दसवें घर में।, में और फिर हम यहाँ देखेंगे कि मार्स कहाँ कहाँ आ रहा है जहाँ भी आ रहा होगा जैसे देखिए पांच में है छ में है और दस में है तो ये वाले घरों के फल भी आपको मिलेंगे अब जैसे एक एक प्लेनेट है जुपिटर देखिए जुपिटर को पीएस है तो आप जुपिटर के घर भी लेंगे और जो उसका स्टार लॉर्ड मून है उसके घर भी लेंगे उन दोनों के आपको रिजल्ट मिलेंगे ये क्लियर हो गया जी और ये ये जो एक से बारह लेकर कस्पल पोजीशन बनी हुई है ये जो डिग्री लिखी हुई है ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कस्प है यानी कि जो भी लग्न पे आपकी डिग्री राइज होती है वहीं से आपका होरोस्कोप की स्टार्टिंग मानी जाती है तो उस वजह से क्या है कोई भी घर आपका तीस डिग्री का बराबर नहीं होता कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है ठीक इतना समझ आ गया हाँ जी तो प्रिडिक्शन में राशि चार्ट के कंपैरिजन में भाव चार्ट ज्यादा एक्यूरेट होता है ये देखिए ये जो सिस्टम काम करता है प्रेसिडियस सिस्टम पे काम करता है जो आपका okay. वैदिक वाले हैं वो श्रीपति सिस्टम यूज करते हैं ना ओके okay. वो तो भाव yes. मध्य से भाव मध्य लेते हैं अच्छा यस yes. तो इसमें okay. जहाँ पे जो डिग्री राइज हो रही है वहीं से आपकी वो ले लेंगे okay, okay. स्टार्टिंग yes. तो वो फर्क आ जाता है ना हाउस फॉर्मेशन में ही फर्क आ जाता है yes. अब ये राहु केतु तो को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा बेसिकली सब इसी में ही थोड़ा कंफ्यूज होते हैं राहु और केतु को भी प्लेनेट माना जाता है तो ये भी जैसे और प्लेनेट पीएस के थ्रू और स्टेलर के थ्रू रिजल्ट देते हैं ये भी सेम वैसे ही रिजल्ट देते हैं ठीक है तो जैसे सपोज अगर आपका राहु कर्क राशि में 10 डिग्री पे है तो कर्क राशि में 10 डिग्री पे है तो साइन लॉड हो गया मून और अगर वो कर्क राशि में दस डिग्री पे है तो वो शनि के नक्षत्र में है तो यानी कि राहू जो है वो मून के भी रिजल्ट देगा और वो शनि के भी रिजल्ट देगा एक तो अपने राशि स्वामी का रिजल्ट देगा और एक वो जिस नक्षत्र में है एक वो रिजल्ट उसका देगा जैसे ये देखिए राहु हमेशा तीन तरह से फल देता है सबसे पहले तो वो अपना फल देगा राहु एज राहु यानी कि वो जिस नक्षत्र में है जिस सब में है जिस सब सब में है उसके बाद राहू एज इट साइन लॉर्ड राहु का जो भी साइन लॉर्ड होगा उस पर्टिकुलर कुंडली में जैसे कि एग्जाम्पल है उसका साइन लॉर्ड मून है तो इसी तरह वो जिस तरह से मून को हमें पूरा पढ़ना है मून को हमें पूरा पढ़ना है वो मून के भी रिजल्ट देगा उसी तरह राहु का जो भी स्टार लॉर्ड रहेगा जैसे राहु का स्टार लॉर्ड है शनि तो वो शनि के भी फल देगा तो यानी कि राहु जो मैं राहु के लिए बता रही हूँ सेम केतु के लिए है तो राहु और केतु हमेशा एक अपना फल देते हैं एक अपने राशि स्वामी का फल देते हैं और एक अपने नक्षत्र स्वामी का फल देते हैं तीनों का फल देते हैं आप अब इतना समझी फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से उसको देखना है अच्छा अब इसी तरह राहु और केतु जो हैं वो किसी प्लेनेट के सब लॉर्ड भी बन स्टार लॉट बन के आएंगे यानी कि प्लेनेट जो है जैसे मरकरी है सपोज मरकरी आपका केतु के स्टार में है अब उस पर्टिकुलर कुंडली में अगर केतु जुपिटर भी है और शनि भी है तो यानी कि केतु जुपिटर सेटन ये इन तीनों प्लैनेट्स के आप घर लोगे जहां भी राहु केतु आएंगे राहु केतु के साथ उनके साइन लॉर्ड और उनके जो स्टार लॉर्ड हैं उनके हाउसेज भी लिए जाएंगे इसी तरह राहु और केतु कहीं के लॉर्ड भी बन के आएंगे देखिए ये कहीं का लॉर्ड भी बन के आएगा तब भी केतु मून सेटन या राहु सेटन सन तो जो उसका लॉर्ड होगा जो उसका स्टार लॉर्ड होगा आप उनके घर भी लोगे और इसी तरह वो कहीं के सब लॉर्ड भी बन के आएंगे देखिए सब सब लॉर्ड बन के आएंगे तब भी आपको इसी तरह से लेना है एक बार आप समझ लीजिए फिर मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगी अच्छा कभी कभी क्या होगा दो प्लैनेट रिपीट होंगे एक साथ जैसे मून है वीनस के स्टार में है और वीनस के सब में है और सबसे सब बड़ा जुपिटर है जब भी भी दो प्लैनेट एक साथ रिपीट होंगे हम इनको क्लब कर देते हैं क्लब करने का मतलब क्या है कि हम वीनस को एक ही बार पढ़ेंगे जब ये दो वीनस आ जाएगा तो वीनस ही स्टार लॉड का फल देगा ये जो जुपिटर है ये सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड का फल देगा जब एक प्लेनेट दो बार रिपीट होता है हम इसको क्लब कर देते हैं तो ये जो वीनस है ये स्टार लॉड बन जाएगा और जो ये जुपिटर है ये सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड दोनों का फल देगा इसी तरह अगर जैसे देखिए ऐसे हो जाता है मार्स जो है मून के स्टार में है सेटन के सब में है और सेटन के सब सब में है इस केस में हम क्या करेंगे Saturn को क्लब कर देंगे। मून जो है स्टार के रफल देगा। Saturn जो है वो सब लॉर्ड और सब सब के फल देगा मैंने देखे नीचे लिखा है इन दिस केस क्लब वीनस सो वीनस विल बी स्टार लॉर्ड एंड जुपिटर विल बी सब एंड सब लॉर्ड और सेकेंड एग्जाम्पल में क्लब सेटन तो मून विल बी लॉर्ड एंड सेटन विल बी सब एंड सब सब लॉर्ड ये समझ आ गया तो इसके इसमें स्ट्रांग हो जाएगा फिर क्या अगर दो बार आ गया दोनों में तो स्ट्रांग हो जाएगा नहीं नहीं स्ट्रांग अच्छा, नहीं होगा स्ट्रांग वाली बात नहीं है स्ट्रांग वाली बात नहीं है ओके हां वो अभी मैं आपको बताऊंगी प्लेनेट किस लेवल पे स्ट्रांग होता है ओ, जी अब एक इस चीज को बहुत आराम से समझ लीजिएगा अच्छे से अब जैसे आपको पता है एक प्लेनेट है उसके आगे हमने तीन पार्ट किए हैं स्टार स्टार सब, सब 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 ठीक है अच्छा का क्या काम है इनवॉल्वमेंट यानी कि कौन से हाउसेज को वो इन्वॉल्व कर रहा है कौन कौन से हाउसेज में वो जा रहा है इसका काम है इन्वॉल्वमेंट करना सबलॉड का काम है कमिटमेंट करना और सबसब्लॉट का काम है फाइनल कंफर्मेशन करना देखिए आपका जो घर इन्वॉल्व हुआ सपोज आपका शादी के लिए सेवन थाउज़ेंड इन्वॉल्व हुआ यानी कि ये तय है कि जब भी ये प्लेनेट का समय रहेगा तो इसको सेवन हाउस के फल मिलने हैं क्योंकि सेवन हाउस इन्वॉल्व हो गया अब वो फल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव यानी कि वो यस होगा या नो वो कमिटमेंट करेगा सब लॉर्ड वो कमिटमेंट करेगा अगर कमिटमेंट उसकी नेगेटिव हो गई वो मैं आपको समझाऊंगी किस तरह अगर कमिटमेंट नेगेटिव हो गई तो ये रिजल्ट हो जाएंगे जीरो अगर कमिटमेंट पॉजिटिव हो गई तो यानी कि उसको वो रिजल्ट मिलेंगे और फर्दर जो सबसे -सब ब्लॉड है वो करेगा फाइनल कंफर्मेशन अगर ये भी फाइनल कंफर्मेशन कर देता है तो डेफिनेटली वो इवेंट होगा देखिए सबसे पहले स्टार लॉर्ड इन्वॉल्वमेंट करेगा जैसे आपको अगर शादी देखनी है तो आपको सेवेंथ हाउस की इन्वॉल्वमेंट करी उसमें आगे सब लॉर्ड जो है वो कमिटमेंट करेगा कि वो हाँ होगी या ना होगी अगर वो भी हाँ हो जाता है फर्दर फाइनल कंफर्मेशन करता है सब सब लॉर्ड यानी कि अंतिम पुष्टिकरण जो अंतिम मोहर लगाएगा वो सब सब लॉर्ड लगाएगा अगर वो भी कर देता है तो इट मीन्स इवेंट इज फाइनल ठीक है <coughs> का एक काम और yes. है सब का एक क्वालिफाई और स्पेसिफाई जो मैंने अभी आपको बताया कि वो हाँ है या ना है उसको तो वो क्वालिफाई करेगा कि उसने क्वालिफाई कर दिया इवेंट इज फाइनल एक उसका काम होता है स्पेसिफिकेशन यानी कि स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि वो इवेंट किस प्रकार होगा कि जैसे सपोज अगर हम शादी देख रहे हैं शादी जल्दी होगी देर से होगी या उसकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी खराब रहेगी या अगर हम प्रोफेशन देख रहे हैं तो उसका जो प्रोफेशन है बढ़िया स्मूथली चलेगा या उसको उसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो जैसे एक चीज को हम स्पेसिफाई करते हैं ना ये वो काम भी करता है पहले मैं आपको या तो चार्ट पे समझा दू चलिए एक बार और समझ लीजिये अब इस चीज़ को एक बार आराम से समझिएगा मोहित जी इन लोगों को तो पता ही है बाकियों को देखिए पोजीशन वन थ्री फाइव नाइन इलेवन ये पॉजिटिव है फोर सेवन एट ट्वेल्व ये नेगेटिव है टू सिक्स टेन ये न्यूट्रल है फ्रॉम द इन्वॉल्व हाउस यानी कि आपका जो भी घर इन्वॉल्व हो रहा है अगर सब की पोजीशन वहां से इन घरों में आती है पॉजिटिव है अगर वहां से यहाँ आती है तो ये नेगेटिव है जैसे सपोज सेवेंथ हाउस आपका इन्वॉल्व हुआ लॉर्ड आपका छह में आ गया तो सेवेंथ से सिक्स कौन सी है ट्वेल्थ पोजिशन तो ये नेगेटिव रहेगी अगर लॉर्ड आपका एट्थ में चला गया तो सातवें से वो कौन सी है दूसरी पोजिशन तो वो न्यूट्रल रहेगी तो हमेशा इन्वॉल्व हाउस से देखनी है इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा ये, ये मतलब ये चीज मेन है इसमें ये तो हर इवेंट के लिए पॉजिटिव लेते हैं हर केस में लेकिन क्या है कि अगर आप प्रोफेशन ले रहे हो प्रोफेशन okay. अगर आप ले रहे हो दसवें से चौथा सेवेंथ बनता है ना यस yes. तो हाउस तो आपका प्रोफेशन है हाँ, हाँ. और फोर्थ हाउस जो है वो जो आपका अपोनेंट है सेवेंथ हाउस आपका अपोनेंट है ना उसका प्रोफेशन हो गया yes. तो यानी कि उसके लिए अच्छा हो गया ना अगर okay. अपोनेंट अपोनेंट का टेंथ हाउस आएगा तो आपके लिए तो लॉस मतलब नेगेटिव रहेगा ना टें yes. अगर आप फोर्थ हाउस के रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं ओके, okay. सपोज okay. आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं या hmm. एग्रीकल्चर hmm. का काम करते हैं वो yeah. पॉजिटिव रहेगा लेकिन टेंथ हाउस से अगर सेवेंथ पोजीशन आ रही है वो आपके लिए नेगेटिव रहती है ओके, okay. हाँ. okay. अच्छा। हाँ तो हर, हर, हर लागू होगा, हाँ, ये हर जी, हर में लागू होगा। okay. और ये वन थ्री फाइव नाइन इलेवन क्यों बोला क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन हर जैसे वन का थ्री हो गया फिर फाइव हो गया सेवन हो गया नाइन हो गया इलेवन हो गया अब जैसे सपोज आप शादी देख रहे हो फर्स्ट मैरिज तभी हमने सेवन से बोला सेकेंड मैरिज हमने नाइन से बोला मल्टीप्लाई होता जाएगा ना yes. तो uh, कस्पल में मल्टीप्लीकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मल्टीप्लीकेशन oh. क्या करती है